अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में रखे, आमीन सुम आमीन। तो आज हमारा मल्टीग्राफिक का 9th लेक्चर है और आज हम व्हाट्सएप स्टिकर्स के बारे में देखेंगे कि हम व्हाट्सएप में स्टिकर्स कैसे ऐड कर सकते हैं और इनको कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो आप लोगों को मैंने एक ऐप के बारे में कहा था, तो आप सब ने यकीनन वो ऐप डाउनलोड कर ली होगी। तो चलिए चलते हैं उस ऐप पर। तो जी मैंने ये ऐप ओपन कर लिया, तो मेरे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आया है। आप लोगों के पास ये जो ऊपर आपको दो नज़र आ रहे हैं ये आपके पास नहीं आएंगे क्योंकि मैंने पहले से क्रिएट किए हुए हैं, तो इसलिए मेरे पास ये लिखा हुआ है। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों के पास ये प्लस का नीचे ऑप्शन आएगा बॉटम पे, आपने इसको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे आपके पास यहाँ पर कुछ ऑप्शन आ रहे हैं। आपके पास आ रहा है एक तो टेक्स्ट स्टिकर का ऑप्शन आ रहा है, ये वाला, और दूसरा आपके पास है फ़ोटो का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, हम लोग देख लेते हैं पहले इस टेक्स्ट स्टिकर के ऑप्शन को देख लेते हैं। तो ये देखिए जैसे हम इसे क्लिक करेंगे हमारे पास कुछ ऑप्शन आ रहे हैं, ये टेक्स्ट आ गए हैं यहाँ पे डिफरेंट। हम इनको यूज़ करके कुछ भी स्टिकर में लिख सकते हैं टेक्स्ट में। और यहाँ पर आपको कुछ नज़र आ रहे हैं टेक्स्ट जिन पर क्राउन बना हुआ है और ताज भी कह सकते हैं, ताज बना हुआ है यहाँ पर देखें, डिफरेंट जो है उन पे ताज बना है। तो आप इनको यूज़ नहीं कर सकते, इनको अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इनको बाय करना पड़ेगा, ख़रीदना पड़ेगा। और यहाँ पे कुछ ऐसे टेक्स्ट भी हैं जिन पे क्राउन नहीं बना हुआ, तो आपने क्या करना है उनको यूज़ करना है और उन्हें आप इस्तेमाल कर सकते हैं बिना बाय किए क्योंकि वो पहले से ही आपके पास मौजूद हैं। ठीक हो गया, अब हम यहाँ से कोई भी टेक्स्ट ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पर ये वाला टेक्स्ट ले लेती हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो हम इसको चेंज भी कर सकते हैं नीचे से, ये मैं से ये वाला कर देती हूँ डन। तो यहाँ पे अब हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है, ये वाला एडिट का ऑप्शन आ रहा है, हम इस पर जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट आ गया, हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ हैप्पी बर्थडे लिख देती हूँ, तो ये मैंने हैप्पी बर्थडे लिख दिया है। अब हमारे पास यहाँ पर कुछ ऑप्शन आ रहे हैं तो हम उनको देख लेते हैं नीचे। तो यहाँ पर आप लोग को टेक्स्ट का ऑप्शन नज़र आ रहा है, यहाँ से आप कोई भी जो है अपना फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। तो मैं ये वाला फ़ोन रख देती हूँ। उसके बाद आपके पास ऑप्शन है कलर्स का, तो यहाँ से आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं, आप कोई भी अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। आगे भी देख लेते हैं, यहाँ पे बिना डिफरेंट कलर्स दिए हुए, तो यहाँ पे मैं इसको डन कर देती हूँ। और यहाँ पे आप दोबारा टेक्स्ट चेंज भी कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं, अगर आपको वो नहीं पसंद हो तो। जी अब हम इसे सेव करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। हम यहाँ पे फर्स्ट पे लिखेंगे माय स्टिकर्स और लास्ट पे लिख देंगे अपना नेम जो आपका होगा। तो यहाँ से हम इसको सेव कर लेंगे, नीचे जो ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है यहाँ से हम सेव कर लेंगे। तो ये देखिए मेरे पास स्टिकर मेरा सेव हो चुका है। अब मैंने इसे ऐड करना है तो एक्सपोर्ट पर जाऊँगी और यहाँ पर मेरे पास कुछ ऑप्शन आएंगे दोनों व्हाट्सएप पर, जो मर्ज़ी आप कर सकते हैं। तो मैं फर्स्ट वाले पर ऐड कर देती हूँ और यहाँ से इसे डन कर देती हूँ। हम लोगों ने और स्टिकर ऐड करने हैं तो हम लोग यहाँ मोर पर जाएँगे और यहाँ पे हमारे पास प्लस का ऑप्शन है, यहाँ पे चले जाएंगे। अगर हम लोगों ने सिंपल टेक्स्ट लिखना हो तो हम लोग क्या करेंगे, टेक्स्ट स्टिकर पे जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद हमारे पास ये ऑप्शन आ रहा है फर्स्ट पे, यहाँ पे जाएंगे तो हमारे पास सिंपल टेक्स्ट आ जाएगा। आप कुछ भी अपना नेम वगैरह ऐड कर सकते हैं, आप सब ने अपना नेम लिखना है। तो अब हम लोगों ने इसको एडिट करना है, तो टेक्स्ट को तो हम कैसे एडिट करेंगे, हम लोग ये हमारे पास जो ऑप्शन आ रहा है एडिट का यहाँ पर जाएंगे। यहाँ पर जाने के बाद हमारे पास टेक्स्ट आ गया, यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर जुम्मा मुबारक लिख देती हूँ और इसे यहाँ पे टिक के ऑप्शन पे जाके डन कर देती हूँ। हमारे पास कुछ ऑप्शन है नीचे, हम यहाँ से इसका कलर चेंज कर देते हैं पहले, तो मैं ये वाला कलर रख देती हूँ। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करना है तो उसके लिए हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से हम कोई भी टेक्स्ट ऐड कर देंगे, जैसे कि मैं ये वाला रख देती हूँ। और अगर आप लोगों ने यहाँ पर स्टिकर्स वगैरह ऐड करने हो, मतलब इमोजीज ऐड करनी हो टेक्स्ट के साथ, तो आप लोग क्या करेंगे, हम लोग एडिट पर जाएँगे और यहाँ से हम लोग स्टिकर पे जाएंगे अपने कीबोर्ड के, ये जो इमेजेस हैं इस पे जाएंगे। तो यहाँ से हम लोग कोई भी जो इमेज है वो सिलेक्ट कर लेंगे, तो मैं यहाँ पे रख देती हूँ ये आमीन वाली, तो यहाँ पे इसको डन कर देती हूँ। तो ये देखिए हमारा स्टिकर बन चुका है, तो अब हम इसे सेव कर लेंगे सेव के ऑप्शन पे जाके। तो ये देखिए मेरे जो स्टिकर्स हैं वो एक्सपोर्ट हो चुके हैं, तो अब हम लोगों ने इसको दोबारा ऐड करना है। तो ये देखिए हमारे पास व्हाट्सएप पे ये पहले से ही ऐड हुए हैं स्टिकर्स, तो हम यहाँ पे ओके कर देंगे। तो हम पिक के साथ स्टिकर बनाने का तरीका देख लेते हैं, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे प्लस के ऑप्शन पे जाएंगे और गैलरी से एक पिक इंपोर्ट कर देंगे। तो जी मैंने गैलरी से अपने पिक इंपोर्ट कर दी है, तो अब हम इसे रोटेट कर सकते हैं। ये जो हमारे पास नीचे थ्री ऑप्शन दिए गए हैं
ये वाले मैं आपको दिखा देती हूँ। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, ये हमारे पास सर्कल का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से हम इसको सर्कल में लेके आ सकते हैं अपनी इमेज को। ठीक है, आप स्टिकर्स में देखते होंगे काफ़ी सर्कल स्टिकर्स जो होते हैं वो सर्कल में होते हैं, और यहाँ से हम इसे स्क्वायर में कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास एक फ्री हैंड का ऑप्शन है, यहाँ से हम इसको इसका जो बैकग्राउंड है वो रिमूव कर सकते हैं और इसको ऐड कर सकते हैं स्टिकर में। तो इसी तरह हम यहाँ पर डन कर देंगे। तो देखिए, तो मुझे इस तरह नहीं चाहिए, तो यहाँ पे हम लोगों के पास एक और भी ऑप्शन है, वो है सेलेक्ट ऑल। जब आप इसे पूरी की पूरी इमेज है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं, उन्हें देख लेते हैं। तो पहला जो हमारे पास ऑप्शन है वो टेक्स्ट का है, यहाँ से हम इधर टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं कोई भी। तो मैं यहाँ पर बिरयानी कर देती हूँ, और ये जो हमारे पास एक आ रहा है यहाँ से हम इमोजी ऐड कर लेते हैं। तो जी, अब हम लोगों ने इसका साइज़ छोटा बड़ा करना है, तो यहाँ से हम इसका साइज़ जो है छोटा बड़ा अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे मैं इसको डन कर देती हूँ यहाँ से। तो यहाँ पे हम दूसरा ऑप्शन देख रहे हैं कलर्स का, यहाँ से हम इस पर कलर ऐड कर सकते हैं, ये ब्लैक भी कर सकते हैं, डिफरेंट कलर्स आप कर सकते हैं। तो मैं ये कलर सेलेक्ट कर लेती हूँ, तो उसके बाद मैं यहाँ पर डन कर दूँगी। उसके बाद हम बॉर्डर को देखते हैं, यहाँ पे हम बॉर्डर भी इसका चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बॉर्डर ब्लैक ही रखूँगी, और उसके बाद मैं इसको डन कर देती हूँ। और यहाँ से हम लोगों के पास ऑप्शन है स्टिकर का, तो हम यहाँ से पीछे जो स्टिकर है यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। हमारे पास इमोजीज हैं, टेक्स्ट में स्टिकर्स हैं, और हमारे पास ये वाले स्टिकर्स भी हैं, ये भी हैं, कुछ डिफरेंट स्टिकर्स हैं, हम यहाँ पर कोई भी अपनी वजह से ऐड भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन है वो है फ़िल्टर्स का, यहाँ से आप फ़िल्टर्स ऐड कर सकते हैं, मगर ये सारे फ़िल्टर जो हैं बाय करने वाले हैं, जब तक आप इन्हें बाय नहीं करेंगे आप इनको यूज़ नहीं कर सकते। तो अब हम इसे सेव कर लेंगे, तो उसके लिए हम क्रिएट पे जाएंगे और यहाँ से जाके इसको सेव कर लेंगे। तो ये मेरा जो स्टिकर है वो सेव हो चुका है। तो हम यहाँ पर एक वो स्टिकर जो है ऐड कर देंगे, वो भी हम फोटो पे बनाएंगे, और उसमें हम मैं आपको रिमूव करना सिखा देती हूँ बैकग्राउंड, मतलब आप कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर फ्री हैंड के ऑप्शन पर जाएंगे, ये वाले ऑप्शन पर, और यहाँ पर जाने के बाद हम इसे ऐड कर लेंगे, और यहाँ से हम इसको इस तरह करके इसका बैकग्राउंड रिमूव कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ पे रिस्टोर का ऑप्शन है, तो यहाँ से हम इसकी थोड़ा से और सेटिंग कर सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने सेट कर दिया है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है इरेज का ऑप्शन, तो आप इसे क्या कर सकते हैं, आप इसे इरेज कर सकते हैं, जो आपका ज़्यादा हो जाए एक्स्ट्रा हो जाए आप उसे इरेज कर सकते हैं। और यहाँ पर आपके पास जूम का भी ऑप्शन है, आप यहाँ पर, तो ये देखिए ये हो चुका है। तो अब हम इसे डन कर देते हैं डन के ऑप्शन से। तो ये जो हमारा स्टिकर है वो क्रिएट हो चुका है, तो अब हम इसे सेव कर लेते हैं। तो ये सेव हो चुका है, तो अब हम एक और जो है स्टिकर बना लेते हैं। तो उसके लिए हम अगेन प्लस के ऑप्शन पे जाएंगे, हम अगेन फ़ोटो पे जाएंगे, यहाँ से कोई भी जो है एक फ़ोटो इम्पोर्ट कर देंगे। तो मैंने ये वाली फ़ोटो इम्पोर्ट कर दी है, तो अब हम इसको सर्कल में क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास ये नीचे ऑप्शन है सर्कल का, हम इसे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही मैंने इसके क्लिक किया है तो हमारे पास सर्कल आ गया है। अब हम इसे एडजस्ट कर देंगे, और यहाँ से ये एडजस्ट हो गई है, तो अब मैं इसे डन कर दूँगी। और डन करने के लिए हमारे पास ये ऊपर नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है टॉप पे, हम इसे क्लिक करेंगे, तो ये हमारी जो पिक है वो एडिट के ऑप्शन पे आ जाएगी। यहाँ पे हमारे पास कुछ स्टिकर्स दिए गए हैं, तो यहाँ से आप कोई भी स्टिकर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर ये वाला स्टिकर ऐड कर लेती हूँ, और यहाँ पर मैं आप स्टिकर से भी वाओ वगैरह कुछ भी ले सकते हैं, मगर मैं आपको यहाँ पे टेक्स्ट पे ऐड करके भी दिखा देती हूँ। तो उसके लिए हम अब जो है टेक्स्ट पे जाएंगे, और यहाँ से हम कुछ भी लिख सकते हैं आप, मैं यहाँ पे वाव लिख देती हूँ, और हम इसका साइज़ जो है छोटा बड़ा भी कर सकते हैं यहाँ से। तो मैं इसे पिक कर देती हूँ, तो यहाँ पे मैं इसको डन कर दूँगी टिक के ऑप्शन से। तो हम इसे अब यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे और इसका कलर चेंज कर देंगे। तो ये मैंने इसका कलर ऐड कर दिया है, और अब मैं इसको डन कर दूँगी यहाँ पे क्रिएट पे जाके। तो ये मेरा स्टिकर ऐड हो चुका है, ये देखें। व्हाट्सएप पे देख लेते हैं कि हमारे स्टिकर्स ऐड हुए हैं या नहीं, तो आप इनका नाम देख लें, ये मेरा नाम है। तो अब हम चलते हैं व्हाट्सएप। तो जी, अब व्हाट्सएप पर हम आ गए हैं, तो यहाँ पर हम स्टिकर्स पर जाएँगे। तो ये देखें, हमारे पास हमारे जो स्टिकर्स हैं वो यहाँ पे ऐड हो चुके हैं, जो हम लोगों ने क्रिएट किए थे। इसी तरह आप लोगों ने डिफरेंट जो है स्टिकर्स क्रिएट करने हैं और असाइनमेंट में सेंड करने हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।